साहब सबका स्वागत है आपके अपने चैनल माइस की क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है पैलिंड्रोम का प्रोग्राम बनाएंगे, और ये हमारा नंबर वाला पैलिंड्रोम नहीं होगा, ये हमारा स्ट्रिंग का पैलिंड्रोम होगा। मतलब हम इसमें वर्ड्स चेक करेंगे, ऐसे वर्ड जो दोनों तरफ से पढ़ने में एक हों तो वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। पैलिंड्रोम होता क्या है, तो अगर हम लोग देखें कि ऐसे वर्ड्स जो कि लेफ्ट से पढ़ा जाए तब भी वही वर्ड्स पढ़ने में आए, और राइट से पढ़ा जाए तब भी पढ़ने में वही आए। जैसे हमारे पास एक वर्ड है CIVIC, सिविक। इसको आप इधर से पढ़ें तो भी ये सिविक ही रहेगा, इधर से पढ़ेंगे तो भी सिविक रहेगा। दूसरा वर्ड रडार, अगर आप ले लें रडार भी हमारे पास एक वर्ड है, इसको आप इधर से पढ़ें तो भी रडार, इधर से पढ़ें तो भी रडार। तो इस तरह के वर्ड जो हैं जो दोनों तरफ से सेम होते हैं, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, उनको हम लोग जो है पैलिंड्रोम वर्ड्स बोलते हैं। तो आज हम यही चेक करेंगे, यूजर से 5-6 वर्ड्स इंटर करवाएंगे और उसके बाद उसको जो है हम लोग चेक करेंगे कि वो वर्ड्स पैलिंड्रोम है कि नहीं। अगर वो पैलिंड्रोम है तो हम उसको बताएंगे कि ये वर्ड आपके पैलिंड्रोम है, अदरवाइज हम बोल रहे हैं कि जो है ये पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग उसको प्रिंट करके दिखाते हैं। तो यही हमारा आज का प्रोग्राम है। और भी ये वर्ड होते हैं, जैसे मैडम एक वर्ड होता है, MADAM, मैडम। तो इस तरह के वर्ड्स हमें पैलिंड्रोम, आपको समझ में आ गया हो क्या होता है डिफिनेशन, इस तरह के वर्ड्स पैलिंड्रोम होते हैं। अब इनको चेक करने के लिए हम लोग अपना प्रोग्राम बनाते हैं कि हम लोग ये प्रोग्राम चेक करेंगे कि ये वर्ड पैलिंड्रोम है कि नहीं। एक फंक्शन बना लेते हैं, डेफ कीवर्ड से यूज़ करते हैं, और यहाँ पैलिंड्रोम में से फंक्शन बनाते हैं पैलिंड्रोम। ठीक है, फंक्शन बन गया, और यहाँ पर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं डबल कोट्स में, इस प्रोग्राम चेक पैलिंड्रोम वर्ड्स। ठीक है, पैलिंड्रोम वर्ड्स, पैलिंड्रोम वर्ड को चेक करता है, ये मैसेज हो गया। उसके बाद स्लैश एंड कर देते हैं और फिर एक मैसेज प्रिंट करते हैं, प्रिंट डबल क्वेश्चन एंटर 5 वर्ड्स कह देते हैं, एंटर 5 वर्ड ऑफ योर चॉइस चॉइस टू चेक। तो यहाँ हम लोग उससे बोल देते हैं कि आप इंटर करिए 4 वर्ड, वो चेक करेगा अपना। ठीक है, ये हमारे दो मैसेज हो गए उसके लिए। अब इसके बाद हम लोग अपना एक वेरिएबल लेते हैं, तो एक लिस्ट ले लेते हैं एल से, एल इक्वल टू, इसमें जो है यहाँ इंटर कर देते हैं इनपुट, इसके अंदर इंटर करते हैं एंटर वर्ड नंबर %D। ठीक है, यहाँ वर्ड इंटर करेगा और यहाँ पे हम लोग %i लिख देंगे, फिर यहाँ पे फॉर चलाएंगे हम लोग, फॉर आई एन रेंज फंक्शन लगा देंगे 5 वर्ड के लिए। लूप चलाना है हमको, तो यहाँ लिख देंगे 1,6 तक। रेंज एक कब तक चलता है, जितना भी आप लास्ट लिमिट लेंगे, तो हमें 6 देना पड़ेगा, 5 तक चलेगा। तो यहाँ तक हमें वर्ड मिल जाएंगे, पहला वर्ड दूसरा वर्ड करके इंटर हो जाएगा वर्ड नंबर ये वो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और लिस्ट निकाल लेंगे पी करके, और ये रखेंगे ब्लैंक हम लोग, और फिर यहाँ पे हम लोग लूप चलाएंगे फॉर आई एन एल। अब जब हमें कोई लिस्ट वगैरह इटरेट करनी रहती है तो हम रेंज भी लगा सकते हैं कई वर्ड हैं उसमें, और नहीं तो हम सीधे उसको उस लिमिट तक चला देंगे, एल कर देंगे, इन फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। जब तक उसमें आइटम रहेंगे तब तक ये लूप चलेगा, जैसे ही आइटम खत्म होंगे लूप बंद हो जाएगा, तो हमें रेंज लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे क्या करेंगे हम लोग, एक यहाँ मैसेज प्रिंट करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा प्रिंट, प्रोग्राम को थोड़ा सजा दिया जाए ताकि अच्छा लगे, ये अपने ऊपर है। यहाँ लिखते हैं हम लोग ओरिजिनल, नल
और फिर टेस्ट कर देते हैं चार पांच तो, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं टेडी डैश, नहीं स्लैश टी करेंगे, स्लैश टी रिवर्स वर्ड, ठीक है, आर ई रिवर्स वर्ड। इस तरह हो गया, एक टाइप के ऊपर हमारा ये रहेगा। फिर हमारा फॉर लूप चलेगा, फॉर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्रिंट करेंगे प्रिंट आई कॉमा डबल कोट्स में स्लैश टी और फिर कॉमा आई और इसके अंदर कोलन कोलन माइनस वन, ये हमारा लॉजिक रहेगा। तो ये लिस्ट को इटरेट करने का तरीका है, अगर हम सिर्फ आई लिखेंगे तो लेफ्ट टू राइट वो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, और ये अगर हम लोग इस तरह स्लाइसिंग करेंगे उसकी तो ये रिवर्स में प्रिंट होगी। ये वाला कोलन बताता है कि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग पॉइंट देना है, ये वाला बताता है स्टॉप पॉइंट, और ये बताता है कितने स्टेप आपको जाना है। माइनस वन अगर हम लोग कर देंगे तो रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट होगी, अभी आपको दिखेगा। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट हो जा रही है। और उसके बाद चेक कर लेते हैं कंडीशन, एक आई इक्वल इक्वल टू आई कोलन कोलन माइनस वन, अगर दोनों बराबर हैं तो मतलब ये हमारा पैलिंड्रोम है। इसको हम लोग पैलिंड्रोम में ऐड कर देंगे, पी डॉट अपेंड आई कर देंगे, इस तरह हमारे पास पैलिंड्रोम वर्ड ऐड हो जाएंगे। इसको इसके अंदर करना है और इसको यहाँ पे कोलन लगाना है, अगर दोनों बराबर हैं तो पी में हमारी एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। उसके बाद चुपचाप हमें बाहर आ जाना है लूप के बाहर, और फिर यहाँ लिखना है हमारे पास मैसेज प्रिंट करना है प्रिंट पैलिंड्रोम वर्ड्स आर, ठीक है, पैलिंड्रोम वर्ड्स आर करके प्रिंट कर देना है। डैश डैश चाहिए कर दो, उसके बाद फॉर लूप लगाना है, फॉर आई एन टी कोलन प्रिंट आई, और यहाँ पे कॉमा देके एंड इसका लिख देते हैं, एंड इक्वल टू स्पेस थोड़ा सा कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पैलिंड्रोम प्रिंट हो जाएगा। तो प्रोग्राम हमारा लगभग बन गया है, लगभग क्या पूरा ही बन गया, सेव करते हैं चेक करते हैं, कुछ गड़बड़ी होगी तो और मॉडिफिकेशन करेंगे, प्रोग्रामिंग नाम ही इसी का है, तो बनाते जाओ मॉडिफाई करते जाओ। आपको कुछ और लॉजिक आए तो आप भी इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये कैसा रन कर रहा है। यहाँ पे पाइथन पाइथन ये है हमारी फाइल का नाम है स्ट्रिंग पैलिंड्रोम, ये हो गया, और उसके बाद जो है रन करते हैं। कुछ हुआ नहीं क्योंकि फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। क्या नाम है फंक्शन का, हमारा पैलिंड्रोम नाम है क्या, ये है फंक्शन, फंक्शन कॉल हो गया। अब चेक करते हैं अब कुछ होता है। हाँ, दिस प्रोग्राम चेक पैलिंड्रोम वर्ड, एंटर फाइव वर्ड्स ऑफ योर चॉइस टू चेक, एंटर वर्ड नंबर वन। तो वर्ड नंबर वन हम लोग एंटर करते हैं, व्हाट व्हाट एंटर कर दिए, दूसरे नंबर पे हमने मैडम एंटर कर दिया, तीसरे पे जो है टेबल एंटर कर दिया, चौथे पे रडार, और पांचवे पे जो है नून एंटर कर दिया। अब देखते हैं ये हाँ काम करता है कि नहीं। तो ओरिजिनल वर्ड ये है और रिवर्स वर्ड ये हमारे आ गए इस तरह से करके, और पैलिंड्रोम वर्ड हमारे पास तीन है, मैडम रडार और नून, ठीक है। प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है, ये थोड़ा सीधा रहा है, एक टाइप और लगा देंगे तो इसके नीचे आ जाएगा, जैसे अगर हम यहाँ करें एक टाइप की और रिक्वायरमेंट है, दो टाइप कर दो अब कर लो, और अब चेक कर लेते हैं इसमें
वर्ड नंबर वन रडार, टू मैडम, थ्री ट्री, फोर को जो है फाइव पे एक दो तीन दो एक। तो ये हमारे ओरिजिनल वर्ड या रिवर्स वर्ड आपके सामने आ गए। पेंडोम वर्ड जो है हमारे रडार है, मैडम है, मून है और एक दो तीन दो एक। आप यहाँ अंक का भी कर लेते हैं, लेकिन ये अंक को इस टाइम स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है, तो डिजिट्स को स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग ट्रीट करके इसने इसको पेंडोम में रख दिया। हमने पांच इंटर किया, हमारे पास चार पेंडोम वर्ड्स आ गए। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारा प्रोग्राम इसको बिल्कुल सही फाइंड आउट कर रहा है। तो अगर आप इसमें फिर से इसको रन करना चाहें, चाहे कुछ भी करना चाहें, तो आप इफ कंडीशन लगा लें और पूछ लें। अगर आप फिर से करना चाहते हैं तो फंक्शन को फिर से कॉल कर लें, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे अपना मैसेज प्रिंट कर दें। प्रिंट जाते जाते हमारा आज का मैसेज, और आज का हमारा मैसेज रहेगा और बनो जालिमों का अंजाम बुरा है। ये हमारा आज का मैसेज भी हो गया कि हमें लाइफ में जालिम नहीं बनना चाहिए, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप किसी को दबा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के कुछ दिन बाद या और आगे चल के अंजाम जालिमों का बुरा ही होता है, और अगर इस दुनिया में नहीं तो आगे की दुनिया में, लेकिन उनका अंजाम काफ़ी बुरा होता है। यही हमारा आज का मैसेज है कि हम अच्छे इंसान भी बन सकें और अच्छे प्रोग्रामर भी बन सकें। तो अगर हम लोग इसको रन करें अपना प्रोग्राम फिर से, मैडम आओ थ्री सिविक एस आई बी आई सी रडार, ये हमारा मैसेज भी प्रिंट हो गया। अब आप सोचते होंगे मैडम क्यों नहीं आया। तो मैडम इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारे पास स्पेस था यहाँ पे, हमने दबा दिए थे मैडम के बाद, तो वो रिवर्स में काउंट सही नहीं हो पाया। इस तरफ स्पेस नहीं था, इधर स्पेस आ गया, इसलिए पैलिंड्रोम नहीं बना वो, क्योंकि स्पेस भी एक करेक्टर की तरह काउंट होता है। तो ये हमारे पैलिंड्रोम्स वर्ड्स आ गए और ये हमारा मैसेज आ गया। तो अब इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।